तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा पर। देखिए दोस्तों, एक नई नोटिफिकेशन आई हुई है। अगर आप सिंपली मैट्रिक, इंटर, डिप्लोमा, ITI या ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपका इन पदों पर चयन बिना परीक्षा के होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट दिखाकर आपका चयन हो सकता है। तो वे कौन कौन से पोस्ट है, आज की लेटेस्ट अपडेट है, पोस्ट क्या है, अमीन, क्लर्क, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, इन चार पांच पदों पर, यानी चार पदों पर आपकी भर्ती होनी है, बिना परीक्षा वाली भर्ती है। तो कैसे होगा, क्या आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, एज कितनी होगी आपकी, उसके बाद इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सीटें कितने हैं, सारी चीजों का हम लोग देखेंगे छोटी सी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो पोस्ट है अमीन, क्लर्क, उसके बाद कानूनगो और उसके बाद सहायक बंदोबस्त अधिकारी का पोस्ट है, जो काफी अच्छा पोस्ट होता है, आप लोगों को पता ही होगा। सैलरी भी काफी अच्छी है, इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी 59,000, 36,000, 31,000 और फिर 25,000, काफी अच्छी सैलरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान जाते हैं कि इसका जो है आवेदन कब से शुरू होने वाला है। आवेदन शुरू होगा 27/9/2022 से, आवेदन इसका स्टार्ट होने वाला है, ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अंतिम तिथि होगी 21/10/2022 की। शुल्क तो अभी तक जैसा लग रहा है कि शुल्क नील रहेगा, शुल्क नहीं लगेगा इसमें, अभी तक की जो नोटिफिकेशन है। इसके बाद आयु कितनी चाहिए, 21 से 37 वर्ष। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो 37 वर्ष तक अप्लाई करेंगे 21 से लेकर। दूसरी बात, अगर आप फीमेल हैं तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप दो पद कानूनगो और अमीन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप 18 वर्ष के भी हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, इन चीजों पर बाद में हम लोग आएंगे। अब सबसे बड़ी बात, पद कौन कौन से हैं, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, इसमें कुल 96 पद सृजित किए गए हैं इस बार। और योग्यता क्या चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग BE या BTEC किया हुआ है और आपके पास 2 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी वहां पर काफी अच्छी है, 59,000 रुपये आपको सैलरी मिलेंगे। इसमें से 52,202 रुपये आपको नगद मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद 2,797 रुपये जो है ये आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और 4,000 रुपये दिए जाएंगे आपको लैपटॉप के लिए, लैपटॉप या कंप्यूटर जो आप परचेस करेंगे उसके मेंटेनेंस के लिए 4,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो तीनों जोड़कर आपका 59,000 टोटल बनता है, ठीक है। अब बात रही कि इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, तो चयन प्रक्रिया हम लोग बाद में बारी बारी से देख लेंगे, पहले पदों को देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा पद हमारा है कानूनगो का, इसमें 240 पद सृजित किए गए हैं और योग्यता जो होनी चाहिए वो डिप्लोमा सिविल और इसके साथ साथ 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने सिविल में डिप्लोमा किया है और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कर पाएंगे, ठीक है। सैलरी वहां पर आपको 36,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी पर मंथ की, इसमें 29,202 रुपये आपके नगद होंगे और 2,797 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, और 4,000 रुपये जो है वो आपको लैपटॉप के लिए दिए जाएंगे, लैपटॉप या कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। इसके बाद एक और है पोस्ट अमीन का, काफी फेमस पोस्ट है ये अमीन का, 1994 सबसे अधिक पोस्ट यहाँ पर है, 1994 पोस्ट, और इसके लिए आपको डिप्लोमा सिविल में होना जरूरी है, एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, इसके बाद देखिए सैलरी क्या है, सैलरी है 31,000 रुपये आपको सैलरी दिए जाएंगे यहाँ पर, 24,202, 2,797 और 4,000 रुपये कंप्यूटर के रखरखाव के लिए या मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। लास्ट हमारा जो पद है वो है क्लर्क का, 226 पोस्ट है और इसके लिए सिंपली ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत इसमें भी नहीं है। तो 25,000 रुपये आपको यहाँ पर मासिक सैलरी जो है दी जाएगी स्टार्टिंग में। अब देखिए, सबको हमने देख लिया, स्थायी बंदोबस्त अधिकारी, कानूनगो, अमीन, क्लर्क, सबको हमने देख लिया। अब इनमें से आप देख लीजिए कि आपका जो है, आप किसके लिए इलिजिबल है, क्या आपने सिंपली डिप्लोमा किया है सिविल से, या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अधिकतर ग्रेजुएशन किए हुए ही मिलेंगे, या तो फिर डिप्लोमा सिविल के साथ आपके पास जो है 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है। इसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, सबसे बड़ा प्रश्न होगा। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से BE या BTEC किए हुए हैं और सहायक बंदोबस्त अधिकारी के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपका चयन कैसे होगा,
मैट्रिक का 10% यानी आपके जितने मैट्रिक में मार्क्स आए उसका 10% जोड़ लीजिएगा टोटल का। इंटर का 15% आपको जोड़ लेना है, टोटल का 15% कैलकुलेट करके निकाल लेना है, और ग्रेजुएशन का 50% आपको निकाल लेना है। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद और भी शिक्षा ग्रहण की है, स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की हुए, तो उसका 5% आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो सबका इतना प्रतिशत निकालने के बाद आपको उसमें क्या करना है, सबको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अगर आप इस दो ईयर, ये दो ईयर एक्सपीरियंस तो आपको लगेगा ही लगेगा, ये तो चाहिए ही चाहिए, अगर दो वर्ष से ज्यादा का एक्सपीरियंस आपके पास है, मान के चलते हैं किन्हीं किन्हीं के पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होगा, तो 5 नंबर एक्स्ट्रा आपको जोड़ देना है, 5 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ देना। मान के चलिए कि इन चारों को जोड़ने पर आपका प्रतिशत पूर रहा है 70%, और अगर आपने इस 2 वर्ष को छोड़कर अगर 3 साल का ट्रेनिंग लिया हुआ है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो 5 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, यानी कि आपका जो बन जाएगा मेगा क्रमांक, मेगा अंक, वो बन जाएगा आपका 75%। इस तरह से आपको निकाला जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं कानूनगो के लिए। कानूनगो के लिए अगर आप इलिजिबिलिटी रखते हैं, इसके लिए कैसे आपका चयन होगा, उसी तरह मैट्रिक का आपको 10% निकाल लेना है। अगर मान के चलिए मैट्रिक में आपके टोटल 60% मार्क्स बन रहे हैं, तो 10% निकाल दीजिए, 60 का 10% निकाल दीजिए, तो 6 नंबर आपका हो जाएगा वहां से मैट्रिक का। अब देखिए फिर आपको क्या करना है, डिप्लोमा का 70% आपको निकाल देना है, मैट्रिक का 10%, डिप्लोमा का 70% निकाल के दोनों को जोड़ देना है। जोड़ के अगर दो वर्ष से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 3 साल का है मान के चलिए, 3 साल का है, तो 5 नंबर बढ़ा दीजिए, 4 साल का है तो 10 नंबर बढ़ा दीजिए, 5 साल का एक्सपीरियंस आपको है तो 15 नंबर बढ़ा दीजिए। इस तरह से आप यहां पर मार्क्स क्या कीजिएगा, बढ़ाइएगा, और अधिकतम 20 मार्क्स ही आपके बढ़ेंगे, यानी अधिकतम आप 4 वर्ष का जो एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होगा, उसका लाभ आप उठा पाएंगे इस 2 वर्ष को छोड़कर। ये तो आपको जरूरी ही है, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वेटेज जोड़ देना है, तो तीनों को जोड़ के आपका क्या निकल जाएगा, कानूनगो में आपकी मेरिट क्या बन रही है, आपकी मेरिट निकल जाएगी, और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब आते हैं अमीन के पोस्ट पर। सबसे ज्यादा पोस्ट इसमें है, इसमें मैट्रिक का 10% आपको लेना है, डिप्लोमा या ITI का 90% लेना है। अगर डिप्लोमा में या ITI में किसी के अच्छे मार्क्स हैं, 90, 92, 94% मार्क्स हैं, तो उनका सिलेक्शन लेने का जो चांस है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 90% मार्क्स डिप्लोमा का लिया जाएगा, मैट्रिक का 10, डिप्लोमा का 90, और इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस की यहाँ पर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर वेटेज भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है क्लर्क। क्लर्क का 226 पोस्ट है, इसका जो है कैसे बनेगा आपका मेरिट, चयन कैसे होगा आपका, मैट्रिक का 10%, इंटर का 15% आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है, और स्नातक का आप 70% जोड़ लीजिएगा। मान के चलिए आपको ग्रेजुएशन में फाइनल 70% नंबर है, तो उसका 70% यानी 49 नंबर आपका यहां से बन जाएगा। प्रतिशत निकालने तो जानते ही होंगे, तो प्रतिशत निकाल लीजिएगा और तीनों को जोड़ दीजिएगा। अगर 2 साल को छोड़कर अगर आपके पास एक्स्ट्रा अनुभव 1 साल का है, तो वहां पर अनुभव यहां पर नहीं है, स्नातकोत्तर का आपको कितना 5%, तो चारों को आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, और इस तरह से आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी, और उसी के आधार पर जो है आपका चयन होना है। तो ये हुई इसकी चयन प्रक्रिया। अब देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2022 है, यानी रोजगार क्रमांक संख्या है 01/4/2022। अब बात कर लेते हैं इस पे अगर आपका सिलेक्शन फाइनल रूप से हो जाता है तो कितने वर्षों तक आप जॉब कर पाएंगे, कितने वर्षों तक आपकी नौकरी रहेगी। तो इसकी एक नियोजन की अवधि तय की गई है, वो है 31 मार्च 2024 तक। ये 2024 तक जो है आपका नियोजन किया जाएगा, अगर जरूरत पड़ती है तो आपका नियोजन की अवधि बढ़ा दी जाएगी, 24 से 5 साल 3 साल बढ़ा दी जाएगी। इस तरह से आपका यहां पर सिलेक्शन होना है, यानी कि ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है और कुछ वर्षों के लिए होती है। वैसे देखिए खास करके बिहार जैसे राज्यों में जो भी इस तरह की वैकेंसी आती है आज तक उसको हटाया नहीं गया है, बहुत कम ऐसे देखे गए हैं, यानी कि इस अवधि को बढ़ा ही दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही इस अवधि को पार करेंगे और इसकी अवधि को क्या कर दिया जाएगा, 3 साल 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो काफी अच्छा है आप लोगों के लिए,
ठीक है। बाकी आप समझ सकते हैं कि ये सब जो पद है ये मक्खन देने वाला पद है ना, समझ ही सकते हैं हम। अब कैमरा पे आपको क्या बोलेंगे, मक्खन देने वाला पद है। तो आप इसके लिए जरूर जो है अप्लाई कीजिएगा, और फी जो है यहाँ पर बिल्कुल नील है, 31/10/2022 तक अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरह की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।